पे हम मोबाइल को खड़ा करके टाइम लैप्स वीडियो बनाएंगे। चलिए दिखाते हैं आपको, काफ़ी अच्छा है। फिर इसके किसी को अगर घास के खुम चाहिए तो संपर्क करें ताऊ जी से। ला 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 बटी टमाटर। ट्राइपॉड का पेड़ है गाइस जी। चलो हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक और फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लव राइडर नंदू में। फिलहाल गाइस सुबह के बज रहे हैं 8 और अभी हम जा रहे हैं मिर्ची बोने। तो बारिश जो है काफ़ी लंबे समय के बाद भी काफ़ी टाइम से बारिश हुई और बारिश का ही इंतज़ार था हर किसी को, क्योंकि बारिश आने के बाद ही मिर्ची बोई जाती है। फिलहाल आज हम जा रहे हैं मिर्ची बोने। तो ये हमारे नए तंदुरुस्त बैल जो कि अब तैयार हो चुके हैं मुयाल पहन के। तो ये नीले रंग के मुयाल इसलिए इन पर लगाए हैं ताकि ये किसी का अनाज ना खाएँ, उजाड़ ना खाएँ। चले। तो आज अच्छी धूप खिली हुई है और कल रात जो है बारिश हुई थी थोड़ी बहुत, तो इस वजह से जो मिर्ची का खेत है वो पहले हमने जोत रखा है, अब उसको दोबारा जोतेंगे, फिर उसके बाद मिर्ची बोगे, फिर उसमें हल तीसरी बार फिर जोतेंगे। किसी को अगर घास के खुम चाहिए तो संपर्क करें ताऊ जी से। तो इस बार हम मिर्ची बोएंगे सारी के बीच में, और इससे पहले सीजन जो हम मिर्ची बोते हैं उधर खाली ढैया के नीचे बोते हैं, तो इस तरीके से चेंज करते रहते हैं जगह को ताकि मिट्टी का परिवर्तन भी होता रहे और फसल जो है वो अच्छी तरीके से हो। तो सरसों अब लगभग पक चुकी है हमारे यहाँ, देख सकते हैं आप पूरे जो हैं सरसों और गेहूँ के खेत। गेहूँ तो अच्छे हुए नहीं क्योंकि बारिश थी नहीं। सामने का नज़ारा चौनलिया नरला झाल पहलो गाँव। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि मौल्यार जो लग चुकी है, तो अब आप देख सकते हैं अखरोट के पेड़ पे पत्ते आना शुरू हो चुका है। तो इस प्रकार से हम अखरोट का सीज़न भी आने वाला है कुछ समय बाद। तो मौल्यार का मतलब यही है कि हर पेड़ की जो लंबाई है वो बढ़ती है। देखिए नए नए पत्ते आने शुरू हो चुके हैं हर किसी पेड़ पर। ये है बांज का पेड़, इसको हम पॉली कहते हैं फिलहाल। और चल ले भाई, दोबारा जो है इसमें हल जो हमने कल जोत लिया है, अब इसमें सीधा मिर्ची बोएंगे इस प्रकार से। ये छोटा सा पेड़ यहाँ पे दिख रहा है यहाँ तक हमारा खेत, और इसके पीछे जो दिखाई दे रहा है जोगीमणि का नज़ारा। तो फिलहाल खेत में जो छोटे छोटे पत्थर हैं उन्हें हम एकत्रित करके इधर उधर फेंकते हैं, और उसके बाद जो है खेत के जो नीचे हैं उस पर फावड़े से थोड़ा बहुत खोदना पड़ेगा, और ऊपर से हम निकालेंगे फिर खेत के नाली ताकि पानी खेत में ना आए और मिर्चियों का बर्बाद ना करे। तो गाइस थोड़ा बहुत काम करते करते टाइम पास के रूम में मैंने बनाया ये ट्राईपॉड, और अब इस पर हम मोबाइल को खड़ा करके टाइम लैप्स वीडियो बनाएंगे। चलिए दिखाते हैं आपको, काफ़ी अच्छा है, फिर इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। पहले एक बार ट्राई करते हैं ये सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है। भाई जो ट्राईपॉड है काफ़ी अच्छा है और थोड़ा बहुत भारी है, लेकिन हम इसको यूज नहीं करेंगे रेगुलर अपने हाथ, क्योंकि मेरे पास दूसरा है। ये अभी खेत के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसको हम मिट्टी में आसानी से गाड़ सकते हैं यहाँ से। अब आपको बताते हैं ये बना कैसे और कैसे हमारे दिमाग में आइडिया आया, क्योंकि बहुत भारी हो जाता है, हमें टाइमलेस वीडियो बनानी होती है तो हम इतनी देर खड़े नहीं रह सकते, तो उसके लिए तो काफ़ी अच्छा है। बहुत ख़तरनाक लुक भी है इसका। तो ये है भीमल का पेड़, और इस पर आप देख सकते हैं हजारों ट्राईपॉड आपको दिख रहे होंगे। ये देखिएगा, जूम करके दिखाता हूँ, ये देख
अचानक हमारे दिमाग में ख्याल आए जब इतना काम कर रहे हैं तो हम अपने जो काम की पीढ़ी हो कैसे दिखाएं, तो ये हमने निर्णय लिया और इस पे से हमने एक टहनी काटी, फिर हमने बनाया अपने लिए ट्राईपॉड। ट्राईपॉड का पेड़ है गाइस, चलो तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ बैंगन का बीज लेने, और अभी इसमें हमने खीरे के जो बीज है वो भी बोना है, तो फिलहाल बैंगन का बीज ले आते हैं दिक्कु चाचा से और बैंगन बो देंगे हम खेत के नीचे तरफ, खीरे हम लगाएंगे खेत के ऊपर की ओर। डोली ला चल साइज दिया बड्डी टमाटर ला ला बड्डी टमाटर टमाटर अभी हमारे बैल जो हैं दूसरे खेत में आ चुके हैं, नीचे वाले छोटे खेत में। दोनों भाभी अभी अब पहुंच चुकी हैं खेत में धान करने। धान करने का मतलब है जो ये मंडुए की जड़ें होती हैं उसको उखाड़ के अलग फेंकना है और पत्थर वगैरह जो है इकट्ठा करना है। तो आज जो हमने मिट्टी हुई है काफ़ी अच्छे टाइम पे हुई है, वो इसलिए क्योंकि देखिए अब जो है फिर से बारिश एक बार फिर शुरू हो गई है, काफ़ी ख़तरनाक तरीके से मौसम में बदलाव फिर से। चलो सबसे पहले मौसम ही दिखा लेंगे फिर आपको अभी। तो देखिए गाइस यहाँ सारसों में जो है अभी फ़िलहाल बारिश हो रही है काफ़ी तेज, तो अगर बारिश रही एक आध घंटा या दो घंटे कुछ भी तो मिर्ची जो है बहुत जल्दी जो है उग जाएंगी, तो बहुत अच्छा हुआ जो आज हमने मिर्चियाँ बो दी। चलिए गाइस टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, आनंद लीजिए आप भी हमारे साथ बारिश का।